हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉस्मिक ग्लम्स। सो आज आपके साथ मैं एक फेयरनेस क्रीम के बारे में रिव्यू करने वाली हूँ जो काफ़ी पॉपुलर है कोलकाता में। एंड गाइस, ये जो है केमिकल पैराबिन फ्री है, एरोमाथेरेपी की इसके प्रोडक्ट है। सो वो प्रोडक्ट है कीयासेथ की फेयर एंड ब्राइट फेयरनेस क्रीम। सो गाइस, इसका पैकेजिंग यू कैन सी, ये स्क्वायर बॉक्स में इसका पैकेजिंग प्लास्टिक में आती है। एंड इसका जो कैप है ऐसी है, कैप स्क्वायर में आती है एंड इसको ऐसे करके क्लोज करना पड़ता है। सो गाइस, इसका जो प्राइस है 250 एंड इसका जो सेल्फ लाइफ है वह है 2 इयर्स। एंड ये जो है 50 ग्राम की है ये प्रोडक्ट एंड ये केयासेथ की प्रोडक्ट है गाइस। सो इसमें जो है फेयरनेस क्रीम फॉर ब्राइटर स्किन एंड SPF इसके साथ ही दिया है 15+। सो बहुत ही अच्छी है फेयरनेस क्रीम के साथ, हमें SPF 15+ मिल रही है। सो गाइज, इसके ऊपर की ओर जो है इसका ब्रांड डोनर का जो है पिक्चर दिया है केयासेथ की एंड पीछे की ओर जो पूरा डिस्क्रिप्शन इसने दिया है। सो गाइज, चलिए देख लेते हैं। एक क्रीम दैट ब्राइटनेस योर स्किन टू मेक योर लुक फेयर नोटिसेबली। एंड की इंग्रेडिएंट इसमें है ए ब्लेंड ऑफ प्योर एसेंशियल ऑयल ऑफ कैरोट सीड्स, केसर, लेवेंडर, नेरोली, पैचोली इन ए नॉन ग्रीजी क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट। एंड डायरेक्शन ऑफ फॉर यूज दिया है अप्लाई एंड मैसेज जेंटली इन सर्कुलर मोशन ऑल ओवर योर फेस एंड बेयर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, प्रेफरेबली आफ्टर बाथ एंड बिफोर गोइंग टू बेड एट नाइट। सो कीप इन कूल एंड डार्क प्लेस में, इसको कूल एंड डार्क प्लेस में स्टोर करना है गाइज। तो क्योंकि इसमें जो है नेचुरल प्रिजर्वेटिव है, कोई प्रिजर्वेटिव डाला नहीं गया है, इसलिए इसको स्टोर करना है कूल एंड ड्राई प्लेस पे। तो क्या होती है, जो सनलाइट की वजह से जो है ये क्रीम नष्ट हो जाने की डर रहती है। सो गाइज, ये जो प्रोडक्ट है एरोमाथेरेपी केयासेथ की जो फेयरनेस क्रीम है, चलिए देख लेते इस प्रोडक्ट का कैसे है। सो इसका टेक्सचर वाइट कलर में, क्रीम थिक क्रीम में ये जो प्रोडक्ट आती है, कैन सी। सो चलिए मैं इसको लगाती हूँ मेरे पूरे हैंड पे। अच्छी से जो ये प्रोडक्ट आपको जो है मिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि ये अच्छी से जो है एब्जॉर्ब नहीं होती है एंड ज़्यादा आपने रब किया तो इसका जो है छोटी छोटी से जो इसके क्रीम जो उठ जाते हैं ये स्किन से, मैंने देखा है ज़्यादा रब करने से। सो गाइज, ऐसी है क्रीम, फिर भी ये जाएगा जो है एब्जॉर्ब नहीं हुआ क्रीम, अच्छी से इसको जो है ब्लेंड करना है। सो देखा आपने, अच्छी से एक फेयरनेस, तुरंत एक ब्राइटनेस आ गई है हैंड पे, इस हैंड के मुकाबले इस हैंड। तो सो गाइस, ये जो है आप कोई बाजार में जा रहे हो, कोई थोड़ी बहुत काम है बाहर में, तब ये प्रोडक्ट जो है आप यूज़ कर सकते हो। तो ये प्रोडक्ट कोई डार्क स्पॉट नहीं उठाता है गाइस, मुझे ऐसा ही लगता है कि केयासेथ के प्रोडक्ट यूज़ करके। सो ये सिर्फ एक फेयरनेस ब्राइटनेस जो क्रीम होता है हमें लगाने के लिए, ऐसा ही कुछ काम करता है ये केयासेथ की जो फेयरनेस एंड ब्राइट जो फेयरनेस क्रीम है। सो गाइज, मुझे लगता है ये क्रीम जो है काम नहीं करते हैं, मेरी तरफ से ये नॉट ओके गाइज। सो मैं आपको ये क्रीम जो रिकमेंड नहीं करूँगी। आप जो लोग चाहते हो, जो क्रीम आप थोड़ी सी ब्राइटनेस के लिए, थोड़ी सी बाहर जा रही हो इसके लिए क्रीम अच्छी है, आप यूज़ करके जा सकते हो। बट ज़्यादा रब करने से क्या होता है, उसका जो क्रीम ऊपर लेयर से उठ जाता है, इसलिए बहुत ही मुझे अच्छा नहीं लगा। एंड ब्लेंड भी बहुत बहुत ज़्यादा करती है एंड वाइट कास्ट छोड़ देती है आपके स्किन में। यू कैन सी दिस प्लेस, व्हाइट कास्ट जो है ये फेस में छोड़ देती है। सो इसलिए मैं इसको आपको रिकमेंड नहीं करूँगी, दिस फेयरनेस क्रीम। सो गाइज, ये था मेरा एक छोटा सा रिव्यू पार्ट ऑफ केयासेथ फेयर एंड ब्राइट जो फेयरनेस क्रीम है। सो मेरे वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो मेक श्योर मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो टिल देन बी सेफ एंड बी हैप्पी। बाय बाय।